मुख्यमंत्री जी नमस्कार के इस विशेषांक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जनमानस और उनकी समस्याओं को जो है सरकार के समक्ष पहुंचाते हैं, तो आज हम इसी कड़ी में आप पहुंचे हैं स्मार्ट सिटी धर्मशाला नगर निगम 14 के कंड बाड़ में। और कंड बाड़ का ये बड़ान मोहल्ला है जहां पर लोगों की समस्या को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं कि उन्हें कौन सी समस्या जो है वो झेलनी पड़ रही है। आइए तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कौन सी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे गाँव की यहाँ पे सड़कें और रास्ते जो है बहुत खस्ता हालत में है। जो रास्ते हमारे बनाए गए हैं उनका भी कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। रास्ते यहाँ पे सड़क है हमारी यहाँ से 1 किलोमीटर की सड़क है, जिसका जो छोर है और जो एंड है वो बना हुआ है, पर बीच में जो रास्ते है वो उसका कोई भी हल नहीं हुआ है। ये रास्ते हमारे जो नालियाँ और गड्ढे पड़े हुए हैं इसका हमको बहुत ही समस्या झेलनी पड़ती है, जो कि हमारे बुजुर्ग और बच्चों को आने जाने में बहुत ही बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। हमारे गांव में 300 से 400 लोग रहते हैं, जो कि आने जाने का बहुत ही समस्या का झेलना पड़ती है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे जो रास्ते हैं सड़कें हैं उनका समस्या को दूर किया जाए। जहाँ से हमारा रोड स्टार्ट हुआ है वहाँ से पक्का है, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ भी पक्का है, पर बीच में जो रोड है हमारा वो बुरी हालत है उसकी, और उसका इस टाइम लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। बरसातों में इतना पानी भरा जाता है कि चलने के लिए मुश्किल हो जाती है, और जो हमारे गाँव के बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। बड़े तो जैसे कैसे चल भी लेते हैं, पर छोटे बच्चे जो वो कैसे चलेंगे, उनको हम पीठ में उठा के ले जाते हैं, गोदों में उठा के ले जाते हैं। तो मेरी विनती है हमारे मोदी श्री क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री से कि हमारी रोड का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और हमारी समस्या को सुना जाए। हमने PWD विभाग को भी बोला है, कई बार नगर निगम वालों को बोला है, पर हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस मुख्यमंत्री जी यही अनुरोध है कि इस काम को ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। अब बरसात भी निकल गई है, फिर से गड्ढे गड्ढे हो गए हर जगह ना, तो हम चाहते हैं कि इस रोड को ना PWD द्वारा जो पास हुआ है ये तो ये कंप्लीट नहीं है, मतलब तो इसको जो सही तरीके से बनाया जाए और हमारी तरफ गौर किया जाए कि जो हमारा जो ये अनकम्प्लीट रोड है इसको पूरा किया जाए। और साथ में 250 लोग यहाँ रहते हैं, 20-22 साल से मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, मतलब स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी हम ना पिछड़े उसमें रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम पिछड़े वर्ग में, स्मार्ट सिटी का तो नाम ही नहीं है। एक बार बाकायदा SDM साहब भी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि आपको लगते ही नहीं है कि मतलब स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। तब उनके आने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमने DC को भी बोला, मतलब हर जगह हम गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी मतलब गाँव के बारे में देखा जाए, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। तो मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि प्लीज़ कृपा करें हमारे ऊपर भी और हमारे इस रास्ते का कुछ समाधान निकालें। पिछले 20-22 वर्षों से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है सिर्फ रास्ते की, इस सड़क की, जो हमारे बुजुर्गों से लेकर अब हम पे आ गई और हमारे बच्चों तक ये जो है वो पहुंचने वाली है। इस सड़क का ना तो अभी तक कोई निपटारा हुआ है और ना ही इसका कोई हल होने की हमें कोई उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हमने शासन प्रशासन से पता नहीं कितनी बार गुहार लगाई, कितनी बार उनके आगे पीछे घूमे, पर एक सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है, इससे ऊपर बाकी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये सड़क का क्या हाल है, आप देख सकते हैं ये नाला बना हुआ ना कि सड़क है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक बार गांव कंडी वार्ड नंबर 14 बड़ान मोहल्ले की ओर भी आप अपना ध्यान करें और देखें कि यहाँ की समस्या क्या है। 20-22 सालों से बोलने के लिए तो ये स्मार्ट सिटी है, पर ऐसी स्मार्ट सिटी होगी तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला का कंडी गांव अब भी सड़क सुविधा से जो है कोसों दूर नजर आ रहा है। इस कार्य के अधर में लटके होने के चलते यहाँ के स्थानीय निवासियों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार जो है वो अपनी समस्या को लेकर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज दिन तक
उनकी इस मांग को जो है अनसुना किया गया है, जिसके चलते कई बार जो है यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग जो है इस सड़क समस्या की वजह से जो है घायल हो चुके हैं। खासतौर पर बरसात के दिनों में जो है उन्हें भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द जो कि ये सड़क निर्माण अधर में लटका हुआ है, इस कार्य को पूरा किया जाए ताकि यहाँ के लोग भी जो है सड़क सुविधा से जुड़ पाएँ। डीडी न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा।